जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीते, विनय करी सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे, सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 14 दिसंबर बृहस्पतिवार का दिन, आज का दिन आपके लिए बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज ये मूल नक्षत्र का केतु और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का शुक्र, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आज केतु और शुक्र की उपस्थिति आपको बुद्धिमान बनाएगा, चतुर और दूरदर्शी बनाएगा। आज आपके अंदर अहंकार भी होगा, स्वाभिमान भी आपके अंदर होगा, शक्ति भी होगी, समृद्धि भी होगा, अचानक धन की प्राप्ति भी होगी और विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का शुक्र जब उच्च का होकर कुंडली में गोचर करता है, तब आपके जीवन में आप बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं, नेतृत्व की क्षमता आप में बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है, जीवन में सुख बढ़ने लगता है, भाग्य का साथ भी मिलता है, तरक्की समृद्धि धन संपत्ति से आप परिपूर्ण हो जाते हैं, बड़ी सफलता कामयाबी खुशखबरी की प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली में आज शुक्र उच्च का होकर गोचर कर रहा है और केतु के धन भाव में बैठा है, जिससे आपका जीवन सुंदर और सुखद बन रहा है। आज केतु का प्रभाव आपके जीवन में आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, आपकी महत्वाकांक्षा को पूरा करेगा और राहु की दृष्टि से मन की परेशानी चिंता दूर होगा। दिन बड़ा शुभ है, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र शनि और केतु बेहतर लाभ की स्थिति में गोचर कर रहा है, जिसके कारण आपका जीवन और भी ज्यादा सुंदर और सुखद होने वाला है। शुक्र का उच्च का होकर गोचर करने से मालव योग बनता है, जिससे आपके जीवन में सुख बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है। आज का दिन बेहतर परिणाम का दिन है, क्योंकि बुध की स्थिति भी आपकी कुंडली में बेहतर है, जो नकारात्मक प्रभाव को दूर करेगा, बुद्धि और ज्ञान बढ़ाएगा, धन और सफलता का योग बनाएगा, आकर्षण आपके जीवन में होगा और आप बड़े सौभाग्यशाली होंगे। आज का दिन आपके लिए सफलता पाने का दिन है, सुख कमाने का दिन है, भाग्यशाली दिन है। आज अगहन माह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, मूल नक्षत्र सुबह 9:47 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा, गंड योग 1:25 तक, उसके बाद वृद्धि योग में भाग्य की वृद्धि होगी। आज आपकी कुंडली में शुक्र केतु का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, मंगल और राहु की दृष्टि है। शुक्र और केतु के प्रभाव से आपके साहस पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। आज व्यापार के लिए लाभदायक दिन है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में धन बढ़ेगा। देव गुरु बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली में आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। उत्तम समय की शुरुआत बृहस्पति के प्रभाव से सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। दांपत्य जीवन में चली आ रही समस्याएं दूर होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिससे आपके हर काम बढ़ने लगेंगे और अटके हुए काम भी तेज गति से पूरे होंगे। आज का दिन सूर्य का प्रभाव मंगल के साथ जीवन में कुछ ऐसा करेंगे, जिससे भरपूर मान सम्मान मिलेगा। आज आपके जीवन में लोकप्रियता बढ़ेगी, भाग्यशाली आप हैं, सौभाग्यशाली योग हैं। शुक्र के कारण जीवन साथी के साथ आनंद का समय व्यतीत करेंगे। आज आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी, जीवन के अनेक क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की का अवसर मिलेगा, भाग्य का सितारा बुलंद है। स्टूडेंट के लिए समय बड़ा भाग्यशाली है, राहु के प्रभाव से, केतु के प्रभाव से, चंद्रमा के प्रभाव से अनुकूल स्थिति में आपके जीवन में खुशी की प्राप्ति भी होगी, अचानक आपके जीवन में तरक्की उन्नति भी देखने को मिलेगी। आज आप में पराक्रम है, सामर्थ्य है, जोश है, इच्छा शक्ति है, अपने बलबूते
अपनी ताकत के बल पर, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी चतुराई से जीवन में सुख और धन की प्राप्ति करेंगे। मंगल का सूर्य के साथ प्रभावशाली योग बन रहा है। इस समय आपकी कुंडली में आपके भाग्य को जगाने वाला सुंदर योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र के पराक्रम भाव में बुध और चंद्रमा की युक्ति है, जबकि शुक्र के पंचम भाव में शनि का गोचर है। बुध इस समय केतु को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि बुध के लाभ स्थान में केतु का गोचर हो रहा है और बुध केतु के प्रभाव से आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। शुक्र की स्थिति बेहतर होने से भाग्यशाली आप बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र इस समय उच्च का होकर आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है। आज ये राहु की स्थिति, मंगल की स्थिति आपके जीवन में अस्थायित्व लेकर आया है, यानी आपकी समस्याओं का समाधान होगा, आपके रिश्ते अच्छे होंगे, ग्रहों के प्रभाव से सफलता और सुख की प्राप्ति होगा, आप भाग्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे। शुक्र जब उच्च का होकर गोचर करता है तब आपकी पर्सनालिटी निखरती है, भाग्य के बदौलत सुख समृद्धि पाते हैं, ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं, आकर्षक होते हैं। आज धन के साथ शोहरत इज्जत भी पाएंगे, जीवन में सुख बढ़ेगा। शानदार दिन है, सफलता कामयाबी का योग है, भाग्य का सितारा बुलंद है और आपके जीवन में बड़ी तरक्की उन्नति होने वाली है। शुक्र केतु के प्रभाव से भाग्य चमकता है। शुक्र केतु के प्रभाव से आप बड़े प्रभावशाली हो जाते हैं, धनवान भी बनते हैं, सफलता की प्राप्ति भी होती है। आज आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा और आपके जीवन में सुख सुविधा की बढ़ोतरी भी होगी। वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध होता है, धन संपत्ति आपके जीवन में बढ़ता है, आत्मविश्वास भी आपके बढ़ते हैं। आज दिन आपके लिए बेहतर दिन है, एक शुभ दिन है, महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होंगे और आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति आपको बड़ा भाग्यशाली बना रहा है। आज केतु और शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में सुख संपत्ति सौभाग्य का योग बन रहा है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। आज के दिन हनुमान जी का दर्शन करने के बाद जो भी काम करेंगे वो काम आपके सफल हो जाएंगे, क्योंकि आज आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का होकर गोचर कर रहा है और दिन चार चरण में व्यतीत हो रहा है, जिसमें बृहस्पति शनि बुध और चंद्रमा का प्रभाव होगा। आपकी कुंडली में इस समय सुंदर योग बन रहा है, जो आपके जीवन में हर प्रकार का सुख देगा, आपको बड़ा भाग्यशाली बनाएगा। आज राहु